अमेरिका की हैरान कर देने वाली तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लॉकडाउन की सरेआम जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे महामारी फैलने का खतरा निरंतर बढ़ सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस का कोई डर ही नहीं है। दरअसल समालखा में लॉकडाउन का उल्लंघन लगातार जारी है। दुकानदार सुबह होते ही अपनी दुकानें खोल लेते हैं, ना ही कोई सोशल डिस्टेंस दिखाई देता है, ना ही इन्हें प्रशासन का कोई डर है, जिसके चलते आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट रवि कुमार ने समालखा के मुख्य बाजारों का दौरा किया और लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बगैर परमिशन के खुली दुकानों को सील किया, क्योंकि बाजार में दुकान खोलने के नियम बनाए हुए हैं। एक दिन दाई तरफ की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन बाई तरफ की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकानदार यह नियम तोड़ रहे हैं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके चलते आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा 4 दुकानों को सील भी किया गया और चेतावनी भी दी गई कि कोई भी दुकानदार बगैर नियम के दुकान खोलता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, वो आपको पता है, जो लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जारी है, जो पालन नहीं करेगा लॉकडाउन का उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगी। सब्जी वाले को मार्केट में लाउट नहीं, उसके लिए पास दिया हुआ मार्केट कमेटी ने, जिसके पास पास नहीं होगा उसका भी चलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।